welcome. This is the look that I came up with. इससे पहले मैंने simple, basic, traditional look डाला था और वो काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आया, but कुछ लोगों ने मुझे request किया था कि take it up a notch, थोड़ा और heavy कर सकते हैं. But I also have friends जिन्होंने मुझे बोला कि उनको बहुत डर लगता है black smoky eye से, but they do want to do something smoky. So I thought why not put both the things together and give you something that's very different. So I have tried to use a darker color, जहाँ पर आपको स्मोकी इफेक्ट भी मिल जाएगा, लाइक आफ्टर मस्कारा एंड एवरीथिंग यू कैन सी दूर से थोड़ा सा स्मोकी भी लग रहा है और आपको ब्लैक कलर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है. आई वुड ऑब्वियसली लव अ न्यूडर लिपस्टिक. ये वाली लिपस्टिक मैंने सिर्फ इसीलिए रखी है बिकॉज अगेन रिक्वेस्ट है कि मैं वो वाला न्यूड लिप हमेशा यूज़ करती हूँ, मुझे और ऑप्शन यूज़ करने चाहिए. सेकेंडली दिस इज़ अ वेरी फेस्टिवल लुक विच नीड्स टू बी ब्राइट एंड एवरीथिंग. सो ये लुक आप अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इतनी सारी शादी आने वाली है, आप तब यूज़ कर सकते हो. कितने सारे फेस्टिवल्स हैं आप तब यूज़ कर सकते हो. मैं अपने हाथ की इंजरी की वजह से ये चेंज करके नहीं बता पा रही हूँ. आई एम वेरी रिस्ट्रिक्टेड ऑन व्हाट आई एम वेयरिंग. तो मैं सिर्फ पीजेज पहन पाती हूँ, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं पहन पा रही हूँ. तो इसलिए मैं आपको चेंज करके अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में एंड ज्वेलरी वूलरी के साथ नहीं बता सकती हूँ. बट आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो बिकॉज इट मीन्स अ लॉट. अगर आपकी कोई कमेंट आती है तो वो पढ़कर बहुत अच्छा लगता है. सो या लेट्स जस्ट गो इनटू द वीडियो एंड सी हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक. Okay, so I am going to speed up all the basic processes because you have seen me do this a lot of times. But still, if you want to know basically कैसे करते हैं, I have a playlist called Back to Basic, जहाँ पर मैंने एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाया है. So like how to highlight, how to contour, तो जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो उन सारी चीज़ों पे स्पेसिफिक वीडियोज बने हुए हैं जो आप आराम से देख सकते हो. I wanted this video to just be about the eye makeup and the overall look. So let's move on to the eye makeup. Using the rose gold palette from Huda Beauty, you can see it is clearly my favorite palette. I am going to pick up that transition color. अगर आपको ये करना पसंद नहीं है तो आप skip कर सकते हो, because बहुत सारे मेरे friends बोलते हैं कि इतना blending और ये मत बताओ जबीन, हमें basic colors बताओ. मुझे बहुत अच्छे से eye makeup करना पसंद है इसीलिए मैं ये सब करती हूँ. आप simply fingers use करके भी कर सकते हो, you don't really require all these brushes and everything. If you want to know the technique, let me know, I'll make a video about it. But as you saw, I picked up a darker color and I started putting it in the outer corner. तो black color से जो आप outer corner smoke करते हो वो मैंने ये darker maroon shade से करना start किया. And जैसे ही आपको लगने लगे कि जो shape आपको आपकी आँखों पर चाहिए ऊपर वो form होने लगा है, आप उसको थोड़ा सा अंदर crease line के पास ले सकते हो और पूरी तरह से inner and outer corner पर spread कर लो. Then with the help of the same brush, आप उसको थोड़ा सा blend कर लो so that वो एकदम stark color नहीं दिखे, अच्छा लगे. I am picking up this very pretty glitter from the same palette. मैंने उसको अपनी उंगलियों से लगाया because मुझे लगता है कि जब आप glitter लगा रहे होते हो तो brush बहुत सारा product खा जाता है, इसीलिए आपकी उंगलियाँ सबसे best होती है ये करने के लिए. And as you can see, glitter से डार्क मैट शेड की तरफ कितना अच्छा ट्रांजिशन मिल रहा है. नाउ यू कैन पिक अप एनीथिंग एल्स. मैंने थोड़ा सा कॉपर कलर यूज़ किया द ग्लिटर वन और उसको मैंने अपनी आंखों पे लगाना स्टार्ट किया. जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलती हूँ मेकअप ढक जाता है बिकॉज मेरी हुडेड आईज है. सो इसीलिए मैं एक बड़ा फ्लफी ब्रश लेकर वो जो मैट कलर है उसको अपनी क्रीज लाइन से थोड़ा सा ऊपर लेने वाली हूँ. मैं राइट आई पे कर रही हूँ. अब जब मैं आँख खोलूँगी तो मेरे राइट आई पे दिखता है कि मैंने मेकअप किया हुआ है, बट लेफ्ट आई पे से पूरी तरह से गायब हो जाता है. ये मेरी आँखों के शेप के लिए है. अगर आपकी आँखें मेरी तरह नहीं है विच इज़ हुडेड, तो आप इजिली नॉर्मल मेकअप कर सकते हो.
Now taking the cleanest fluffy brush I had, I am just putting everything together so that वैसे stark lines ना लगे. Picking up the most beautiful golden shade, मैं inner corner और eyebrows के नीचे apply करने वाली हूँ. Then picking up the same brush, taking the darker shade first, मैं अपनी lower lash line को line करूँगी. And then using the fluffy brush and the transition color, I go all the way down. Let's curl the lashes and move on to the mascara. As you can see, mascara creates such a huge difference. With the help of a beauty blender, मैं अपना सारा baking निकाल दूँगी so that we can reveal the most perfect and airbrushed skin that we have underneath. Baking is by default my favorite step. Also because मेरे आँखों के नीचे बहुत wrinkles हैं, तो ये मेरे बहुत 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 काम आता है. I am going to make a detailed video about baking real soon. Done with the blush, done with the contour, nose contour, highlight. Let's move on to the lips. I think I struggled with finding the perfect lip shade because one, मुझे shiny lipsticks नहीं पसंद है. Two, मुझे बहुत ज़्यादा bright lipsticks भी नहीं पसंद है. This is the final look. If you put on nice jewelry and jhumka and everything, oh my god, this is gonna look so pretty. If you like what you see, of course you know what to do, right? 1. Please subscribe. 2. Hit the notification bell. 3. Let's be friends on Instagram. I'll see you in my next. Bye!